हमें क्या चाहिए? सबके आगे भारत माता की, आम आदमी पार्टी, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। से नहीं, हमारा प्रोटेस्ट 2008 से चल रहा है। गवर्नमेंट को पता है कि 2014 में भी हमने प्रोटेस्ट किया था। हमारी एक ही मांग है, पीएससी। अगर गवर्नमेंट को पता हो, हमारे 500 से ज्यादा डॉक्टर जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बार भी पीएससी नहीं देखी है। तो हमारी, और अभी गवर्नमेंट में हमें नया वो आश्वासन दे दिया है लोन का, 6 लाख का लोन दे दिया, जिससे वो कह रही है कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें और हम अपना सर्कल भी करें, ताकि गवर्नमेंट को पीएससी नहीं देनी पड़े। लोन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट, वी आर द क्रीम लेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर गवर्नमेंट अपना थोड़ा होमवर्क करे तो उसको पता चलेगा कि एक क्लिनिक सेटअप में कितना जो है वो खर्चा होता है। अभी तक जो हमने अपने एजुकेशन लोन्स लिए थे, हम उनसे नहीं निकल पाए हैं। जिन बच्चों ने प्राइवेट डिग्रीज की है, उन्होंने 20 से 25 लाख सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाया है। क्या उन्होंने इसलिए लगाया था कि आगे वो सेटअप के लिए भी लोन लेके अपना गुजारा करेंगे? इफ गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड अस जॉब्स, व्हाई ही इज क्रिएटिंग डेंटल सर्जन्स? वो बंद क्यों नहीं करते थे डेंटल कॉलेजेस? अगर ये सर्कल या पूरा खत्म कर देना, अगर गवर्नमेंट इतनी नेगोशिएशन है इस फील्ड के लिए कि डेंटिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्लीज शट डाउन द गवर्नमेंट कॉलेजेस और द प्राइवेट कॉलेजेस। बाकी लोगों को क्यों पागल बना रहे हैं? अगर आपको लगता है कि डेंटिस्ट्री किसी काम की नहीं है, तो आप बंद कर दीजिए, ताकि ना ज्यादा से ज्यादा गधे पैदा हो और ना वो सड़कों पे बैठे। क्योंकि जो पढ़ लिख के व्हाइट कोट डाल के सड़कों पे हैं, तो ये बेचारे गधे ही हैं, ये पढ़े लिखे गधे हैं, मैं ये कहूंगी। और हमारी यही डिमांड है कि पीएससी, जब तक पीएससी नहीं आएगी तो ये हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। समर्थन देने आए हैं आम आदमी पार्टी। मैं राजेश गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी, जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सबसे पहले आपके माध्यम से मैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो आज के दिन शहीद हुए थे पुलवामा में। आज हम यहाँ पर डेंटल सर्जन्स को साथ देने आए हैं कि 14 साल से उनको एडजस्ट नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से एलजी को वार्न करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको एडजस्ट किया जाए, अदरवाइज ये प्रदर्शन एक भयंकर रूप ले लेगा, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी सभी यहाँ पर नाम मंदिर का शहर का बदल के प्रोटेस्ट का शहर बन गया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ गलत हो, क्योंकि रोज आए दिन कई पीएचई, कभी पीडीडी, कभी स्टूडेंट्स, कभी अनएम्प्लॉयड, कभी कोई यूथ, हर जगह मतलब प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट। क्यों, वाई, मतलब सरकार है नहीं यहाँ पर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतने जनता को दुखी किया हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक कठपुतली के तौर से दिल्ली में रिपोर्ट है और एलजी साहब उनसे काम कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी इनको कोई सुध आए और इन बच्चों को और जो और अनएम्प्लॉयड प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी एडजस्ट किया जाए, अदरवाइज ये बहुत गलत हो रहा है। फिर हम इसको एजुकेशन को एक भयंकर रूप दे देंगे, जो कि बम बोले से भी ज़्यादा बड़ी होगी। धन्यवाद।